दुर्भाग्य से जितने भी देश विघातक ताकतें हैं, वो देश की जितनी भी विविधता है, उन विविधता को हम कहते हैं ये विविधता ताकत है, विविधता में श्रेष्ठता है, क्योंकि ये कुदरत की व्यवस्था है। लेकिन जो विरोधी लोग हैं, उन्होंने इस विविधता को ही देश के अंदर एक प्रकार के विविधता के कारण देश के अंदर वैमनस्य निर्माण और ये बताना शुरू किया कि इतनी सारी विविधता है तो एक देश कैसे हो सकता है, ये एक समाज कैसे हो सकता है, एक संस्कृति कैसे हो सकता है। इसलिए आप सब अलग अलग है। और इसलिए 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो विषय चला वी आर ए नेशन इन मेकिंग। तो अगर वी आर ए नेशन इन मेकिंग है तो विवेकानंद कौन से नेशन में थे, शिवाजी कौन से नेशन में हो गए, गुरु गोविंद सिंह किस नेशन के लिए लड़े थे, छत्रसाल किस नेशन के लिए लड़े थे, लेकिन इसके कोई उत्तर नहीं। लेकिन वी आर ए नेशन इन मेकिंग और हमको भी लगने लगा हाँ बराबर है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था नहीं, अंग्रेजों के आने के बाद ही सब चला, उन्होंने ही सब हमको व्यवस्था दी, उन्होंने ही सब हमको सिखाया, इसके पहले हमारे पास कुछ था ही। इसलिए अपनी देश की ये जो संस्कृति, अपनी जो परंपराएं, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो बातें हैं, इसको अपने नई आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से समझाना। और मेरा अनुभव जो है, मैं भी कॉलेज कर रहा हूँ, संघ के काम में भी रहता हूँ, तो युवाओं के साथ में बाकी सबके साथ में रहना जब होता है तो ध्यान में आता है कि आज की जो पीढ़ी है वो तो सही अपने जानने के लिए उत्सुक है, जानना चाहती क्या है अपने देश का इतिहास क्या है, अपने देश के महापुरुष कौन है, क्या विशेषता है। लेकिन उनको बताने वाला कोई न तो कोई घर में बताता है, न मंदिरों में मठों में कोई बताते हैं, न कॉलेज विद्यालय में बताते। इसलिए उनको जो जानना है वो जानने के लिए कोई उपाय नहीं होता। इसलिए हमारे पास बहुत बड़े सुवर्णता है कि इस पीढ़ी को तैयार करेंगे तो जिसके आधार पर देश खड़ा हो सकता है। इसलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब बातों को काफी मेहनत करके जोड़ा गया है। इसलिए पहले जो बताया कि वी टीच इंग्लैंड फर्स्ट एंड इंग्लिश नेक्स्ट, अभी इस देश में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से वी हैव गॉट ए चांस टू टीच इंडिया फर्स्ट एंड इंग्लिश नेक्स्ट। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाना, अभी जो पहन ने बताया था इन्हें कि मातृभाषा में पढ़ने के लिए जब बात आती है तो पेरेंट्स काउंसलिंग करना पड़ता है। तो जब बता रहे थे तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, विचार आ रहा था कि पेरेंट्स काउंसलिंग करने की बात तो स्कूल में होगी, अभी यहाँ पर बैठे हुए जितने अध्यापक है उनका भी काउंसलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अध्यापकों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनका भी काउंसलिंग करना पड़ेगा कि आपके बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं क्या, आप मातृभाषा में भेजने के लिए तैयार है क्या। तो इसलिए इस वहां से चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम ये जो कहते हैं, तो अपने घरों से इसको शुरू करना पड़ेगा। अपने घरों में अंग्रेज का उपयोग, अंग्रेजी भाषा का उपयोग कितना होता है, अंग्रेजी पद्धतियों का उपयोग कितना होता है, यहां से अगर हम शुरू करेंगे तब जाकर ये ठीक होगा। इसलिए इस दिशा में हम विचार करें, अपने समाज को तैयार करने वाले, देश के भविष्य को तैयार करने वाले ऐसी हम एक पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, और इस निमित्त से पूरे मराठवाड़ा के लोक संघर्ष का इतिहास के निमित्त से 75 वर्ष के इतिहास के निमित्त से ये पूरी जो कार्यक्रम चले हैं इसमें बहुत बड़ा जागरण हुआ है। तो इस निमित्त अपने समाज में अपने जहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको इसके बारे में जानकारी, इतिहास की जानकारी, पूर्वजों की जानकारी ये बताना ये हमारा सबका दायित्व होता है। अपने घरों में बताना, अपने पीढ़ियों बच्चों को बताना, जानकारी देना ये हमारा दायित्व है। अगर इसके दायित्व का हम ठीक प्रकार से निर्वहन करेंगे तो मैंने जैसे प्रारंभ में बताया कि जो दो संस्थाएं राष्ट्र को ठीक आगे ले जाने में, राष्ट्र के समाज को नई पीढ़ी को तैयार करने में जिसका बहुत बड़ा महत्व का रोल रहता है, मातृ संस्था और शिक्षक, ये दोनों संस्था अगर ठीक प्रकार से काम करेगी तो एक समय में करती थी अपने यहाँ पर पूरे देश का जो वैभव संपन्न इतिहास है, वैभव संपन्न इतिहास का अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो उस समय माताएं भी ऐसी थी, जीजा माता जैसी माताएं, और आचार्य भी ऐसे थे, चाणक्य जैसे आचार्य रहते थे जिसके कारण चंद्रगुप्त तैयार होता। तो ऐसे चंद्रगुप्त और ऐसे शिवाजी तैयार करने वाली माताएं और आचार्य हमारे पास है, हम हो सकते हैं। हम सबको एक मौका मिला है कि हम चंद्रगुप्त बना सके, अपने पास जो आ रहे हैं हम सब चाणक्य बनेंगे, तो चाणक्य बनाकर सही अर्थ में अपने देश के, अपने समाज के इतिहास की जानकारी अपनी पीढ़ी को देंगे तो भारत फिर से जो कहते हैं विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, यह देखने का हम सबको मौका मिले। इतनी प्रार्थना के साथ मेरी बात को विराम करता हूँ। अस्तु।